जुल्म ज्यादती कर रही है सरकार। आज हमारे उस कार्यक्रम के मुखिया परम श्रद्धे दादा कौशल सिंह जी, परम श्रद्धे दादा बृहस्पत सिंह जी, परम श्रद्धे रामेश्वर सोनी जी, परम श्रद्धे दादा बीरेन्द्र सिंह जी, परम श्रद्धे लालमणि त्रिपाठी जी, शिव कुमार मिश्रा बाबा जी और बहुत दिनों से बीमारी से लड़ते लड़ते ठीक होकर के हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए परम श्रद्धे गांधी मंच से रामेश्वर गुप्ता जी हमारे मनगवा से हैं परम श्रद्धे, और सतना से आए हुए हमारे किसान नेता ईश्वरचंद त्रिपाठी जी जो आज हमारे इसी मंच से ग्वालियर के लिए अपनी टीम के साथ साइकिल यात्रा से रवाना होंगे। भाई किसान सुब्रत त्रिपाठी जी, भाई राजीव सिंह जी, भाई पप्पू कनौजिया जी, भाई प्रमोद शर्मा जी, भाई अनिल सिंह पिंटू जी एवं उपस्थित सभी माताएं बहनों भाइयों, साथियों, पूरे देश में अगस्त माह से किसान बिल के विरोध में आंदोलन चल रहा है। इसी तारतम्य में विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा से 25 सितंबर को शुरुआत हुई थी और आज हम एमएसपी अधिकार दिवस कमिश्नरी के समक्ष राष्ट्रव्यापी आह्वान पर मना रहे हैं। साथियों, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के सांसद, इस देश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभी तक किसानों के हित में बोलने का काम नहीं किया। मैं कल देख रहा था कई सांसदों को बीजेपी ने मैदान में छोड़ रखा है कि जाकर के आप किसान बिल का गुणगान गाइए, लेकिन बात बनने वाली नहीं है, बात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। पूरे देश में किसान बिल को लेकर आक्रोश है। आज वर्ष भर में लगभग 10 से 15 हजार किसान आत्महत्या कर रहे हैं और ये जो किसान बिल सरकार लाई है इससे और भी किसान आत्महत्या की कगार पर पहुंच जाएंगे। इसलिए सारा दल बल संगठन छोड़ करके हम किसान हैं, किसान के बैनर पर और किसान के हित की बात करने की जरूरत है और हमें वो नारा देना चाहिए कि जो किसान की बात करेगा वो देश में राज करेगा। साथियों, ये सरकार मोदी की अंग्रेजियत हुकूमत, ये सिर्फ देश के अंदर जब से मोदी प्रधानमंत्री बने सिर्फ पूंजीपतियों से पूछ करके कार्य किए जा रहे हैं। इतने देश में किसानों के संगठन हैं।